तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 24 और ये मेरी समझ लो वन ऑफ द फेवरेट गेम में से है। ये मुझे इतनी पसंद है, ये मैं पहले भी खेलता था। और आप सोचते हैं आकर के मैं फ्री फायर की वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि अभी फ्री फायर का ना थोड़ी दिनों में आने वाला है अपडेट। तो जब अपडेट आएगा उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाना शुरू करूँगा फ्री फायर की। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लेट्स स्टार्ट आवर गेम। तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं गेम और यहाँ पे क्विक मैच करेंगे, क्योंकि क्विक मैच में हम अपने आपस में खेल सकते हैं, वरना ऑनलाइन खेलना पड़ता है। हम खुद मैं पाकिस्तान और आगे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी है, इंडिया भी, इंग्लैंड इंग्लैंड रखते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रखते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ठीक है। और ओवर तो आपको पता ही है, दो रखेंगे, क्योंकि अब अगर 10-5 ओवर का रखा तो काफ़ी देर का ही चल जाना है मैच। कॉम्बिनेटर ठीक है, हिंदी ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे करेक्टर उनके करेक्टर हैं, आप देखते हैं कौन जीतता है मैच। अभी बस ये जल्दी से लोड हो जाए। तो स्टार्ट हो चुका है, आप ये बातें सुनिए। और एक जबरदस्त क्रिकेट मैच का लुफ्त उठाने के लिए हम सब तैयार हैं। दोनों टीमों के कप्तान और मैच रेफरी मैदान में टॉस के साथ तैयार हैं। टेल्स लेते हैं, तो देखते हैं अभी कौन टॉस। मैं टॉस जीत चुका और मैं जल्दी से बैटिंग ले लेता हूं। कैप्टन ने यहां टॉस जीतकर तुरंत ही पहले हां टारगेट देने में मजा आता है, टारगेट लेने में नहीं मजा आता। अभी देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं उनके और हमारे। दोनों टीमों के उनके सारे प्लेयर हैं, ये आप देख लें। और अभी पाकिस्तान के भी आपको दिखाते हैं, ये है हमारे। अब ये नेशनल एंथम जो होंगे तो मैंने तो खास कोई सुनना वरना है नहीं, सुना ही हुआ है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का सुनना नहीं है। स्वागत है इस आप एम्पायर आ चुके हैं स्टेडियम में, एक मोटा एक पतला, नई गेंद के साथ पिच की तरफ ये आ चुके हैं फील्डर्स और ये आ चुके हैं ओपनर्स। दर्शक पूरे हमने सबसे पहले लाया है मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ को। अब जल्दी से कौन से, मोहम्मद रिजवान ओपनर है और हारिस रऊफ रनर है। अब देखते हैं पहली बॉल से क्या पहली गेंद के लिए हैं, छक्का पड़ेगा, साइड लॉफ छक्का पड़ता है, देखते हैं। बैकफुट मार, बैकफुट देखता हूँ, बैकफुट। अबे मिस हो गई, बल्लेबाज को पता ही नहीं चला बटन ही नहीं दबा, कैसे खेले। जल्दी से दोबारा करते हैं, अब तो बेटा छक्का मारूंगा, देख रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे। फिर से उसी साइड पर मारते हैं बैक लॉफ्ट फ्रंट फुट, ये दबाया फ्रंट फुट और ये देखते हैं क्या जाता है। ये अच्छा शॉट, छक्का आ गया लेकिन बाउंड्री की दूसरी तरफ, दूसरी बॉल पे हमने मार दिया छक्का, एम्पायर ने भी छक्के का दे चुका है इन। अब देखते हैं रीप्ले, देख चलो छोड़ो रीप्ले, दो बॉल छः, देखते हैं दोबारा छक्का बनेगा। अच्छा विकल्प होगा, बैक लॉफ्ट ही मारता हूँ दोबारा, अब तो बैक फुट करता हूँ। फिर यार फिर से मिस हो गई है, ओ, क्या बदतमीजी है। अच्छा भाई ये देखें, ये ऊपर से मैच देख रहे हैं, खेलने दो बे। चलो बड़े शॉट मारने के पहले बल्लेबाज को पिच पर थोड़ा समय बिताना अब होगा। अब तो पक्का छक्का आया मारूंगा, देख लेना बैक फुट फ्रंट फुट। अबे फिर से मिस, बढ़िया गेंद, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज। दो ओवर है, कुछ ज्यादा सारे ओवर नहीं है। बल्लेबाज पिछली गेंद पर बड़े अनकंफर्टेबल लगे, लॉफ्ट भी करता हूं, अब तो बेटा छक्का ही पड़ेगा। ये बॉल डाली और ये छक्का पे आ गया, ये करारा प्रहार बल्लेबाज का, अबे बाउंड्री पे डायरेक्ट बाउंड्री। इन्होंने फील्डर सही से खड़े नहीं किए, रिप्ले छोड़ो पर ना रिप्ले क्या देखना है। ये फिर भी साइड का मारा मैंने दिया डायरेक्ट छक्का, अब छोड़ो अब देखते हैं सीधा दोबारा आए ना वो। अब तो स्लो बॉल डाली है उसने, जल्दी से स्ट्रेट सिक्स मारते बैकफुट। अब स्पेशल मारना था मैंने, आशा करते गंभीर ना हो, पेट में लगी। दो ओवर, एक ओवर हो भी चुका है जिसमें मैंने सिर्फ दो छक्के और बाकी चार मिस किए। अब हारिस रऊफ आ गया, अब हारिस रऊफ बताएगा
सीधा डायरेक्ट पावर प्ले समाप्त हुआ। फिर से बैक फुट मारता आगे फ्रंट फुट ये गया छक्का गया 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 वाह क्या क्लीन बैटिंग यस मुझे पता था हरीश राव छक्के मारता है छक्के के अलावा कुछ नहीं मारता मतलब आउट भी हो जाता है पर छक्के जब मारने पे उतर आता है तो मारता ही रहता है फिर इन्हें ऑस्ट्रेलिया को तो सही पीट रहा हूँ मैं जल्दी से पीछे कहीं मारता हूँ इस बार ही बैक फुट करता हूँ ये गया चौका अबे कैच कर लिया डाइव मारी इसने की फुर्ती दिखाई है फील्डर ने यहाँ पर एम्पायर की तो सिग्नल सुन रहा हूँ अपना ही जैसा काफी निराश लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोहराए ये देख छोड़ो इस बार बार देख अब आएगा इसको चलें ये फरहान को ले आता हूँ अब देखते हैं ये फरहान कितने छक्के मार पाता है ओपनर ही चढ़ेगा क्योंकि हारिस रऊफ ओपनर था और वो आउट हो गया तो ये ओपनर चढ़ेगा अब देखते हैं सीधा करता हूँ बस बेटा आपको बॉल तो पक्का छक्का जाएगा पहले टारगेट भी तो देखना है कि उनको कितना टारगेट दूँ ये मारा मैंने छक्का ये फिर से कैच कर लिया फरहान भी चले गया इस विकेट की तलाश थी पहली बॉल भी चले गया फरहान से मैंने सोचा था फरहान छक्के मारेगा इधर उसने हक दिया मैं ले आया हूँ अपने पुराने कप्तान बाबर आजम को अब देखते हैं बाबर आजम कितने छक्के मार पाते मुझे बाबर आजम से कोई खैर इतनी ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है बढ़िया फील लगाई है और गेंदबाज भी फरहान आउट हो गया हारिस रऊफ आउट हो गया तो ये बाबर आजम क्या चीज है ये छक्का देखना ये भी कैसे बच गया सुंदर शॉट चौका चौका चार रन के लिए चौका चलो पहली बॉल पे तो नहीं ना आउट हुआ चौके का साइन मिल चुका है अब देखना अब तो पक्का छक्का ही मारेगा बाबर आजम छोड़ो रिप्ले देख लेते हैं रिप्ले में वैसे क्या है दो बॉलें पड़ी हैं यार दो बॉलों में क्या करूँगा मैं 22 स्कोर है सिर्फ छक्का जा बाबर आजम बापे जबरदस्त गेंदबाजी मिस कर दी नामुमकिन अब तो मेरे ख्याल से हार तो नहीं गए पर अब पता चले वो ज्यादा लल्लू टीमों के रही पारी के इंडिया को तो पिछले वर्ल्ड कप में हराया था पता नहीं ये गेम है वही है अब तो छक्का जाएगा छक्का गया यस लास्ट बॉल पे छक्का चले गया देख नो बॉल फ्री हिट सात नो बॉल और फ्री हिट हुई और सात छक्का यानी सात स्कोर मिल गया हमें अब देखना अब बताता हूँ उनको तो सात स्कोर मिल गया ये मैंने ये देखे बैक पैसे छक्का मारा 88 मीटर का गया छक्का ये नो बॉल एक बॉल और बढ़िया इस पर क्या पता छक्का बजे फिर से पीछे वही मार क्या पता अल्लाह ताला कोई मैं मिस क्यों कर रहा है यार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज पता नहीं अब जा रहे हैं हम और उनके फील्डर्स आ रहे हैं अब देखते हैं अब देखते हैं कि अब वो जीत पाते हैं कि हम जीतते हैं अब अपडेटिंग हो जाए जल्दी से होगी शाहीन अफरीदी को लेके जाते हैं यार इसको हारिस रऊफ ठीक है हारिस रऊफ की बॉलिंग फील्डिंग अफरीदी से ज्यादा सही है लग रही है यहां पर अगला ओवर अफरीदी को देंगे तेज गेंदबाज को लाया गया जो पता नहीं कैसे सुना टी हेड आ गया अब इसको सीधा यॉर्कर डालते हैं बल्लेबाज तैयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए आउट स्विंगिंग नो बॉल बच गई अब सीधा देखते हैं गिल्ली उड़ती है ये देखिए ऐसी अबे बॉलर को बड़ा ले ले चौका नहीं अबे शुक्र है अबे पहली बॉल पे इन्होंने एक रन लगाया है मेरे ख्याल से अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि हम जीते हैं कि हम हारे हैं इसको भी और कर करवा के देखता हूँ राउंड द साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे जल्दी से एक सेकंड टिप्पा बजे बस छक्का ना पड़े बाकी जो मर्जी हो जाए चौका भी ना पड़े अच्छा, बाकी सारा फायर है सिंगल ही मिलेगा पकड़ भैंक जल्दी तब तक वो पहुंच जाता है ना तब उसके बाद जाके हमारे फील्डर्स फेंकते हैं जैसे पता हो कि अच्छा हाँ उन्हें पहुंचना तो फिर रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है फिर से आउट करता हूं ताकि ऐसे करके वाइड ना जाए ये ऐसे करके कैच करना ये शॉट बढ़िया है अच्छी मिल जाएंगे ऐसी तैसी फिर गई मतलब पहला चौका बजे फिर भी यार क्या करना है
जल्दी चौका, वो देखो चौका हो गया। रिप्ले को छोड़ो, हटाओ रिप्ले। इसको अभी जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेग कटर, देखते हैं अब क्या करते हैं। कुछ कर लेंगे यार हारिस रऊफ। ये पकड़ो पकड़ो बॉलर को, पकड़ो चौका ना जाओ। रोटेशन कर रहे हैं वरना अभी तक चौका चले गया होना था। अभी बच गए हैं, विकेट कीपर को पकड़ा दिया इसने। लो जो पहली बॉल पे आउट हो गया था ना फरहान, कर रहे हैं देखो। और ऊंचा बोलो, देखना होगा क्या गेंदबाज करवाते हैं, वाइड नहीं जाएगी, वहीं से जाके घूम जाएगी। जल्दी हारिस रऊफ अब कुछ हग ही ना बस। अबे पकड़ो बॉलर को पकड़ो या फिर चौका ना जान दी। शुक्र है वरना हमारी फील्डिंग इतनी कमज़ोर है ना, सोच है यार। ये देखे RC24 लिखा है ना, इसका मतलब है रियल क्रिकेट 24 से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं। जल्दी एक सेकंड, अब भी मेरे ख्याल से अब मिस हो गया है। ओ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को बिल्कुल परेशान करते हुए। तीन सिंगल पड़ी, एक चौका पड़ा। जल्दी अब आते हैं अफरीदी। अफरीदी सही बॉलिंग करवाता है पर ये है लेफ्टी, बैटिंग में भी लेफ्टी है और उसमें भी लेफ्टी। पावर प्ले की समाप्ति, कप्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स 38 के बाहर रख सकते हैं। अब देखना इसकी तो बेटा, इसकी बॉलिंग तो उससे नहीं खेली जाएगी। ओए कैच, करारा शॉट, मैंने कहा था इसकी बॉलिंग देर से नहीं खेली जाएगी। इसने हक दिया फिर से, तो है ना बार बार रिप्ले दिखाई जाते हैं। लो ये ऐसे ही दिखाते रहते जब देखना होता नहीं है। हमने आउट स्विंग करवाता हूँ जल्दी, दिमाग खराब हो गया मेरा, किल्ली उड़ेगी अब तो इसकी। पकड़ो 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 चौका ना जान दी विकेट कीपर, पकड़ 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 पकड़। इतनी घटिया टीम है ना पाकिस्तान, मतलब कभी कभी सही खेल लेते हैं, फील्डिंग इतनी कमजोर है पाकिस्तानियों की, सोच है यार खराब। अभी इन स्विंगर खुश होंगे अपने आप से, अब तो सही डाल ली, वाइड कर दी। बढ़िया बॉलिंग, बल्लेबाज को परेशानी में डाल। अच्छा वाइड नहीं हुई, वो स्टाइल मार रहा है अफरीदी। कितने बॉलें पड़ी हैं, बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। पता नहीं कितना स्कोर चाहिए उन्हें, मैंने कोई पता नहीं बनाया था कोई 30-40 आसानी से खेला एक रन के लिए। 31-2 ऐसे करके कुछ बनाया था, अभी पता चल जाता है कितना स्कोर चाहिए उन्हें। दो बॉलों में 11 रन चाहिए उन्हें, देखते हैं। बाउंड्रीज की आवश्यकता है, ये रन रेट मौका दे देते हैं छक्का मारने का। अगर ये भी नहीं मार सके फिर तो लो, अबे वाह बस सिंगल ही मिलेगा। टी हेड ने छक्का, मैंने छक्के वाली बॉल करवाई थी कसम से, छक्के वाली बॉल मैंने करवाई और इससे छक्का नहीं बजा। मैंने तो इनको फिर भी सही मारा, देखते हैं लास्ट बॉल है क्या कर लेंगे। एक बॉल पे छक्का, लो जान दो जान दो इनको, थोड़ा सी खुशी तो मिल गई। चलो जीत गए मैच, यस यस। बेहतरीन फील्डिंग और पाकिस्तान वन बाय 5 रन, 5 रन से जीते हम, 5 रन से। कप्तान देखो को दाद देनी पड़ेगी, जिस सारे खुश हो रहे हैं। बोलर्स को रोटेट किया, ये लो तो हार गए। दो ओवरों में मोहम्मद रिजवान आया है मैन ऑफ द मैच। इसको कितने मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं देखने दो, 2,50,000। इतने पैसे मतलब ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।